देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। मैं हूं श्वेता ठाकुर, आप देख रहे हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह के खबरों के डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आतंकवादियों से साठगांठ में डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा तत्काल सीआईएसएफ के हवाले करने का फैसला लिया है। अभी दोनों एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में है। हालांकि जम्मू श्रीनगर और लेह एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का मन पहले ही सरकार बना चुकी थी, लेकिन उसमें देरी थी। पर देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद इसे तुरंत लागू किया जा रहा है। इस बीच देवेंद्र को लेकर जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि सीआईएसएफ के हवाले अब जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट भी होगा। सीआईएसएफ ही अब देखेगी जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट। देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। और जैसे ही गिरफ्तारी हुई देवेंद्र सिंह की और जिसके बाद तमाम खुलासे सामने हुए, उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा तत्काल सीआईएसएफ के हवाले की गई है। अब दोनों एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में है। हालांकि जम्मू श्रीनगर और लेह एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का पहले ही मन सरकार बना चुकी थी, लेकिन जैसे ही देवेंद्र की खबर सामने आई, उसकी गिरफ्तारी के बाद यह बड़ा फैसला लागू कर दिया गया। देवेंद्र सिंह को लेकर राहुल गांधी का अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक। देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री अमित शाह खामोश क्यों? क्या है देवेंद्र सिंह का चंडीगढ़ लिंक? क्या आतंकियों को पठानकोट लेकर गया था देवेंद्र? आतंकियों को लेकर जाते डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के 6 दिन बाद भी ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका सही सही जवाब नहीं मिल पाया है। उन्हीं सवालों के साथ सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। ट्वीट में राहुल ने पीएम, गृह मंत्री और एनएसए की चुप्पी पर सवाल करते हुए सरकार पर देवेंद्र सिंह मामले में लीपापोती का आरोप लगाया। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा है, डीएसपी देवेंद्र सिंह ने 3 आतंकियों को घर में पनाह दी जिसके हाथ खून से रंगे हैं। उन्हें दिल्ली ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। फास्ट ट्रैक में 6 महीने के भीतर उसका ट्रायल होना चाहिए। देश के खिलाफ गद्दारी के लिए उसे कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। ट्वीट में राहुल ने सवाल उठाया है, देवेंद्र सिंह के मामले में पीएम, गृह मंत्री और एनएसए खामोश क्यों हैं? पुलवामा हमले में देवेंद्र सिंह की क्या भूमिका थी? देवेंद्र सिंह ने कितने और आतंकवादियों की मदद की? देवेंद्र सिंह को कौन बचा रहा था और क्यों? देवेंद्र सिंह प्रकरण में कांग्रेस की ओर से भी ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछे गए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट में पूछा है कि बीजेपी ने देवेंद्र सिंह को क्यों महत्व दिया? इसमें देवेंद्र को वीरता पुरस्कार देने, उसका प्रमोशन और विदेशी प्रतिनिधि मंडल की सुरक्षा की जिम्मेदारी देने का जिक्र भी किया गया है। जाहिर है ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सरकार और जांच एजेंसियों को देना होगा। जांच एजेंसियां जैसे जैसे इसकी परत हटा रही हैं, नए खुलासे और नए सवाल सामने आ रहे हैं। उन्हीं खुलासों में से एक है देवेंद्र का चंडीगढ़ कनेक्शन। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जून 2019 में हिजबुल के 3 आतंकियों के साथ देवेंद्र चंडीगढ़ में था। वहां से वो 3 आतंकियों को पठानकोट ले गया था। सूत्रों के मुताबिक वो चंडीगढ़ में सेक्टर 51 के एक फ्लैट में रुका था। उसके आने के 2 दिन बाद 3 आतंकी आए थे। जांच एजेंसियां पता करने की कोशिश कर रही हैं कि चंडीगढ़ आने के पीछे उसका मकसद कहीं रेकी करना तो नहीं था। ये खुलासे यकीनन डराने वाले हैं। इसी डर की वजह से जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हवाले करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग की ओर से पुलिस महानिदेशक को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि जम्मू और श्रीनगर के संवेदनशील हवाई अड्डों की सुरक्षा 31 जनवरी तक सीआईएसएफ को सौंप दी जाए। जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डों की सुरक्षा का दायित्व अभी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है।
गौरतलब है कि देवेंद्र सिंह डीएसपी हवाई अड्डा सुरक्षा के रूप में तैनात था। उसे शनिवार रात जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।